Recording in progress. Good evening. आज हम लोग CMA Inter अंडर GST Indirect Tax के अंदर GST में MCQ करेंगे एक टॉपिक का. जिस टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर GST. ठीक है, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो लाइन बता देना चाह रहा हूँ. मैं कंटिन्यू, अभी मेरी क्लास कंटिन्यू आपको डेली बेसिस में मिलेगी. कंटिन्यू टू मंथ के अंदर मैं CMA Inter का ईच पेपर का MCQ कंप्लीट करा दूंगा, प्लस लॉ एंड ऑडिट का सारा क्लास कंप्लीट करा दूंगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स का भी क्लास आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा दो तीन महीने के अंदर. ठीक है, कोशिश करूंगा मैं दो महीने के अंदर ही कंप्लीट करा दूं. अभी सिर्फ मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन फी में 100 रुपीज ही रखा हूँ पर मंथ. किसी भी इंटर के बंदे को पूरा कोर्स सबका MCQ चाहिए अच्छा से समझ के, प्लस उसका नोट्स भी दूंगा, प्लस लॉ ऑडिट और IDT की पूरी क्लास भी कराऊंगा. किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना है मेरे YouTube में ज्वाइन करके लेवल 2 में ज्वाइन कीजिएगा. तो आप लेवल 2 में ज्वाइन करेंगे तो मेरे साथ कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे. ठीक है, आपको कुछ क्वेरी होगा तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाएंगे. मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ, देखिए. बाकी मैं लो का सारा क्लास मेरे ज्वाइनिंग करते ही आपको मिल जाएगा, प्लस मेरे नंबर्स में आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको सारी क्लासेस सेंड कर दी जाएंगे. ठीक है, डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ. देखिए रजिस्ट्रेशन अंडर GST. देखिए, चीज को समझिएगा, रट्टा नहीं मारना, एकदम अच्छा से समझिएगा GST, आपको बहुत मजा आने वाला है. ठीक है, चीज को समझिए. GST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ टर्नओवर की क्राइटेरिया है. वो टर्नओवर जब आपका क्रॉस होता है वहां से आपको 30 दिन के अंदर GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. ठीक है, नॉर्मल टैक्स पेयर जो जनरल कैटेगरी स्टेट में रहता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं, सिंपल स्टेट में रहता है. स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब कुछ स्टेट को गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट का रुतवा दिया है. वो क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में. ठीक है, आप सिंपल सा भी समझिए कि GST में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए यदि कोई माल बेचता है, गुड्स की बात कर रहा हूँ, सर्विस की नहीं. गुड्स एंड सर्विस के दो बेसिस क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन लेने के, यदि आप गुड्स सेल करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो. यदि आप गुड्स बेचते हो तो सिंपल सा आपको याद रखना है, यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस होगा तब आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इट्स अ मैंडेटरी. ठीक है, अब देखिए ये हो गया गुड्स. यदि आप गुड्स बेचते हो और आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं रहते, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है मैं बताऊंगा, सुनिएगा. और यदि आप गुड्स बेचते हो और आप स्टेट कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बेचते हो तब आपका टर्नओवर का लिमिट होगा 20 लाख. अब आपका क्वेरी है कि जनरल कैटेगरी स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डिफरेंस क्या है. देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर दिया है, यह 5-6 स्टेट का नाम दिया गया है. यदि वह स्टेट में आप माल बेचते हो तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट मान लिया जाएगा. ठीक है, देखिए क्या क्या है, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, AP, पौंडिचेरी एंड तेलंगाना. ये जो स्टेट का नाम दिया गया है इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोला गया है. यदि इस स्टेट में आप माल बेचते हो तो आपका टर्नओवर का लिमिट 20 लाख माना जाएगा. और इस स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ के कोई भी स्टेट हो वो आपका जनरल कैटेगरी स्टेट हो जाएगा. और वहां यदि माल बेचोगे तो आपका टर्नओवर का लिमिट 40 लाख होगा. तो सिंपल सा बात ये याद रखिएगा, GST में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए टर्नओवर का लिमिट, जो गुड्स, यदि हम माल गुड्स बेचते हैं तो टर्नओवर का लिमिट है 40 लाख. जैसे 40 लाख क्रॉस होगा मेरे को GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. यदि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हैं तब मेरा लिमिट हो जाएगा 20 लाख रुपया. बस सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दो ही बात याद रखना है. गुड्स के रेस्पेक्ट में यदि आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में हो तब आपका टर्नओवर का लिमिट है 40 लाख रुपया क्रॉस करते हैं आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. और यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हो तो आपका लिमिट हो जाएगा 20 लाख रुपया. तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर ए, पहला MCQ देखिए. मिस्टर ए हैज स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन दिल्ली. दिल्ली स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है तो यहाँ पर टर्नओवर का लिमिट जो होगा 40 लाख रुपया होगा. He is required to obtain registration if his aggregate turnover exceeds 40 lakh during a financial year. यदि उसका turnover का limit 40 lakh close करेगा तो उसको GST में registration लेना पड़ेगा. यदि
अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए, मिस्टर ए हैज स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन सिक्किम। सिक्किम आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए टर्नओवर का लिमिट 20 लाख है। ये हो गया गुड्स के रेस्पेक्ट में। यदि आप कोई सर्विस माने सर्विस देते हो तब याद रखिएगा, आपका नॉर्मल कैटेगरी स्टेट हो तो लिमिट हो जाएगा 20 लाख रुपया, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो तब लिमिट हो जाएगा 10 लाख रुपया। तो मिस्टर ए हैज स्टार्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली। यदि सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली है, देखिए सप्लाई ऑफ सर्विस है तो 20 लाख रुपया, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी स्टेट है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहा तो टर्नओवर का लिमिट हो जाएगा 10 लाख। तो रजिस्ट्रेशन के रेस्पेक्ट में हमने चार बातें सीखी। पहली, यदि मेरा गुड्स का लिमिट यदि 40 लाख रुपया है, यदि टर्नओवर 40 लाख रुपया है जनरल कैटेगरी स्टेट में, यदि 40 लाख रुपए का टर्नओवर हम क्रॉस करेंगे तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यदि हम गुड्स बेचते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हम गुड्स बेचेंगे तब जैसे मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करेगा हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर्विस के रेस्पेक्ट में दो बातें हुई। यदि जनरल कैटेगरी स्टेट होगा माने स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ के, जो 6 स्टेट का नाम दिया उसको छोड़ के सारे जनरल कैटेगरी स्टेट हो जाते हैं। यदि जनरल कैटेगरी स्टेट में माल आप बेचते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो टर्नओवर का लिमिट आपका 20 लाख है, और यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कोई सर्विस देते हो तो आपका लिमिट है 10 लाख रुपया। सिंपल सा बात, इतना ही याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी। मिस्टर ए हैज स्टार्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली। सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली मतलब 20 लाख रुपया, सीधा सा बात है, जनरल कैटेगरी स्टेट है, याद रखिएगा। और मिस्टर ए हैज स्टार्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस इन सिक्किम। सिक्किम मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट में सर्विस दे रहे हो 10 लाख रुपया। गुड्स के रेस्पेक्ट में 40 और 20 लाख है, सर्विस के रेस्पेक्ट में 20 और 10 लाख, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल सा एक तरीका और याद करने का बता दे रहा हूँ। जनरल स्टेट रहा तो गुड्स के रिगार्ड में लिमिट है 40 लाख रुपया, और सर्विस के रिगार्ड में लिमिट है 20 लाख रुपया। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहा तो गुड्स के रिगार्ड में लिमिट है 20 लाख रुपया, और सर्विस के रिगार्ड में लिमिट है 10 लाख रुपीज। बस इतना ही याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड, याद रखिए एग्रीगेट टर्नओवर में सब चीज मिलाया रहता है, जितना आप माल बेच रहे हो, मतलब टैक्सेबल सप्लाई भी मिलाया हुआ है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी मिलाया हुआ है, एक्सपोर्ट सप्लाई भी मिलाते हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी मिलाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव याद रखिएगा। एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड से ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। जीएसटी लॉ में कुछ कुछ आदमी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने का क्राइटेरिया बनाया गया है, मतलब समझिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेंगे, वो 1 रुपया का भी माल बेचेंगे तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। किस केस में देखिए, पर्सन मेकिंग एन इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट जब आप माल बेचते हो तब, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये तीनों जन को, सबको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following person are not liable for registrations? किसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है जीएसटी में? देखिए, any person engaged exclusively in supplying service only exempted from tax. यदि कोई exempted services, या देखिए exempted service दे रहा है, मतलब fully exempted है, तो उसको सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा चीज है। मेरा ये नोट्स आपका मेरा स्लिप में मिल जाएगा, उसको आपको सोचने की दरकार नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चीज को समझिए। देखिए एक तो चीज बता रहा हूँ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। सपोज मैं रहता हूँ दिल्ली में, मैं जा रहा हूँ मुंबई, कैजुअली मेरा माने मुंबई में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन मुंबई में मैं कोई सर्विस देना चाहता हूँ, तो मुंबई में मैं एक छोटी सी बड़े बिजनेस प्लेसेस कुछ भाड़े में लूंगा 5 दिन 4 दिन के लिए, तो उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की सर्विस, याद रखिए। अब एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। रोहन टॉयज इज रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स इन दिल्ली। ही इंटेंड टू अटेंड 7 डेज बिजनेस फेयर ऑर्गेनाइज इन मुंबई वेयर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रोहन टॉयज। मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं,
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसको बोलते हैं, जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रहता है लेकिन वहां जाके कुछ दिन बिजनेस करना चाहता है। मतलब मैं एक ट्रेड फेयर करना चाहता हूँ, मैं रहता हूँ सपोज दिल्ली में और मुंबई में, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, उसमें ट्रेड फेयर में कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरे को माना जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। याद रखिए मेरा डिटेल क्लास में आपको और समझने में मजा आएगा। तो रोहन टॉयज has to obtain registration as a casual taxable person for attending the business fair, और casual taxable person का registration GST में mandatory है, supply आप 1 रुपया का भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिएगा GST दो चीज में लगता है, एक supply of goods and supply of services। ये मेरा डिटेल पहला क्लास आप सुनेंगे GST का इंट्रोडक्शन क्लास, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, Is voluntary registration under GST allowed? Yes. Voluntary registration मतलब मेरा turnover, suppose मैं general category state में रहता हूँ और मेरा turnover सिर्फ 2 रुपया है, 40 लाख नहीं सिर्फ 2 रुपया है, मैं चाहता हूँ कि GST में registration अपने मन से लेना चाहता हूँ, कोई requirement नहीं है, mandatory नहीं है, तब मैं ले सकता हूँ। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है किसी को यदि voluntary registration लेना है तो वो GST में ले सकता है। तो इस voluntary registration Under GST allowed? Answer होगा yes. जितना भी क्वेश्चन कराया हुआ एग्जाम में आया हुआ, तो एक भी क्वेश्चन गलती से छोड़िएगा, समझिए और मेरा डिटेल क्लास देखेंगे तो आपको पूरा GST समझ में अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। Whether the registration granted to any person is permanent? Yes. GST में जो भी registration certificate granted होता है, एक ही बार granted होता है, वो lifetime के लिए होता है। लेकिन यदि कोई GST का officer आप कुछ compliance नहीं करेंगे तो उसको cancel भी कर सकता है और मैं खुद अपना सर्टिफिकेट सरेंडर भी कर सकता हूँ, ये याद रखिएगा। तो जनरली द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द जीएसटी अथॉरिटी इज परमानेंट, बस ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल द एसएससी हैव टू डिक्लेयर ऑल हिज प्लेस ऑफ बिजनेस? यस, जब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करूंगा तो मेरा जितना प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है वो तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्लस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डालना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो मेरा जितना प्लेस ऑफ बिजनेस है सब हमको बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, इज देयर एन ऑप्शन टू टेक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विस अंडर जीएसटी लॉ? या देखिए, जीएसटी में हर स्टेट में आपको स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है। सपोज दिल्ली में आप सोचेंगे कि दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ले लिया और कलकत्ता में भी हम आके माल बेच ले तो वो अलाउड नहीं है। आप कलकत्ता में ऑफिस खोलेंगे तो कलकत्ता में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दिल्ली में ऑफिस खोलेंगे तो दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मुंबई में ऑफिस खोलेंगे तो मुंबई में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का जीएसटी में कोई प्रोसेस नहीं, ठीक है। बस मेरा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, और जो रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे यूट्यूब में आप जाके ज्वाइन वीडियो में जाके लेवल 2 में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारी क्लासेस मिलेगी, प्लस सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ है ये ऑफर, सिर्फ अभी के बैच जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जो एग्जाम होगा आपका जो उस बच्चों के लिए है और किसी के लिए ऑफर नहीं है। दिसंबर वाले भी ले सकते हैं, सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ चार्ज, ठीक है। थैंक यू।